हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम में हम आज जानेंगे कि कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को मैं ओपन कर लेता हूं। देख सकते हैं कि रामा एंटरप्राइजेस हमारे पास एक कंपनी बनी हुई है, इसी में हमें एंट्री पास करनी है। तो हमें चलना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से वी बटन प्रेस करना है। अब आपको कंट्रा वाउचर में जाने के लिए F4 बटन प्रेस करना है। अपने खाते में अगर आप कुछ डिपॉजिट लेते हैं, देखिए टैली बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, और आप जब अपने खाते में कुछ डिपॉजिट लेते हैं तो उसे हम कंट्रा वाउचर में एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड में आने के लिए F12 की प्रेस करनी है, और यहाँ से यूज डेबिट क्रेडिट ये ऑप्शन नो कर देना है। एंड प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिए, और फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ आपको 2 दिखेगा। ठीक है, और इस तरह से ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेंज मोड पे जाना है और यहाँ पे सिंगल एंट्री कर देना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का सिंगल एंट्री मोड आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जैसे सपोज कीजिए जिस भी खाते में, जैसे मान लीजिए एक खाता मैं बना रहा हूँ ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके, SBI बैंक। ठीक है, ये बना लिया हमने, और इसके बाद इसे बैंक अकाउंट में डाल देता हूं। ग्रुप कौन सा होगा, बैंक अकाउंट होगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहां पर बैंक अकाउंट जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया। यहां पर IFSC कोड आएगा, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहां पर SBI बैंक आ गया, यानी कि जिसमें पैसा इन हो रहा है वो जाएगा अकाउंट में। ठीक है, यानी कि आप SBI में पैसा डाल रहे हो, आप कैश डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कैश डाल रहा हूं, तो यहाँ कैश कर दिया, कितना रुपए कैश डाल रहा हूँ, 7000 रुपए डाल रहा हूँ। तो ये देखिए 7000 रुपए डाल दिया हमने कैश, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर नोटों की डिटेल आएगी, तो जितने भी नोट जैसे भी है, तो यहाँ पर 3 नोट 2000 की है और 500 की नोट जो है 2 नोट है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 7000 रुपए की एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस किया हमने, ये एंट्री पास कर दी। अब मान लीजिए कैश में एंट्री नहीं पास करना हो, बैंक टू बैंक एंट्री पास करना हो, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए SBI में ही हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ SBI बैंक कर लिया हमने, और अब यहाँ से दूसरा बैंक, जैसे मान लीजिए हमने कर लिया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, यहाँ कर दिया पंजाब नेशनल बैंक, एंटर प्रेस किया, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए इसकी सारी चीजें, सारी डिटेल्स फिल करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए इसे। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, कितना रुपए पंजाब नेशनल बैंक से SBI बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ पे दे दो। अभी फिलहाल हमने पंजाब नेशनल बैंक बनाया जरूर है, लेकिन इसमें कोई भी पैसा रखा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं की है, तो ये नेगेटिव दिखाएगा, इसीलिए ये 6000 रुपए रेड में दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप एंट्री पास करेंगे तो उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक में पैसे आपको रखने होंगे, बस इतना ही आपको करना होगा। एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ कि कभी कभी जब मैं दुकानों पे जाता हूँ तो बच्चे जो है वहां पे जो काम कर रहे होते हैं वो नेगेटिव कैश में ही एंट्री पास करा करके और बिल पेमेंट करके निकाल करके दे देते हैं। तो नेगेटिव एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप रेड में शो करेगा इसका मतलब कि कैश नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप एंट्री मत कीजिएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।